नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। आज फिर एक न्यू अपडेट आया है ईजी पे का। अगर आपके पास ईजी पे का रिटेलर आईडी है तो आपको एक धमाकेदार अपडेट देखने को मिलेगा ईजी पे का, जो कि आज ही लाइव हो गया है। तो ईजी पे का एप्लीकेशन में क्या लाइव हुआ है, क्या नया चीज़ आया है जो रिटेलर के लिए बेनिफिट है, बहुत खास है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लेटेस्ट और न्यू अपडेट्स हमेशा इसी तरह पाने के लिए। तो क्या न्यू अपडेट है, आज हम आपको डिटेल से इसके बारे में बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस न्यू अपडेट से रिटेलर को बेनिफिट भी है कुछ, और कुछ खास भी है ये अपडेट। तो क्या अपडेट है इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। तो सबसे पहले, आप अगर ईजी पे का रिटेलर आईडी है तो आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और ईजी पे का एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। अगर आपके पास रिटेलर आईडी नहीं है ईजी पे का, तो आप हमसे व्हाट्सएप करके कॉल करके हमसे आप ईजी पे का रिटेलर आईडी ले सकते हैं आसानी से, और स्मूथली काम कर सकते हैं और कस्टमर को अपना कैश विड्रॉल का सर्विस दे सकते हैं। कैश विड्रॉल के साथ साथ इस ईजी पे का बहुत सारा न्यू अपडेट्स है, उसको भी आप लाइव हो गया है, उसको भी आप सर्विस देकर कस्टमर का काम कर सकते हैं। तो क्या लाइव हुआ है और क्या धमाकेदार अपडेट है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना है ईजी पे का, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके, हमारे टीम से कॉन्टैक्ट करके ईजी पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेगा। आप न्यू रिटेल जितने अनलिमिटेड रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं ईजी पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से, और सारे सर्विस एक्टिवेट रहेंगे रिटेलर का। तो चलिए हम जाते हैं प्ले स्टोर में और अपना एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। तो आप भी अगर ईजी पे का रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है तो रिटेलर आईडी को अपडेट करने के लिए आप अपना प्ले स्टोर में जाइएगा, और प्ले स्टोर में ईजी पे का एप्लीकेशन को अपडेट करने पर आपको न्यू सर्विस जो लाइव हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बारे में बेनिफिट भी बताएंगे हम कि क्या क्या बेनिफिट आपको उसमें मिलने वाला है। तो ये रहा ईजी पे का एप्लीकेशन में अपडेट आ गया है, हम इसको अपडेट कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपको लॉगिन करके सारा डिटेल्स इसमें बताते हैं और दिखा रहे हैं। तो चलिए ईजी पे का एप्लीकेशन को हम अपडेट करना शुरू कर दिए। आप भी अपडेट नहीं किए हैं तो जाकर तुरंत प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लीजिए और नए सर्विस का लाइव लीजिए, नए सर्विस का मज़ा लीजिए। तो ये रहा मेरा ईजी पे का एप्लीकेशन अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद हम ओपन पे टिक लगाते हैं और मेरा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। तो इस एप्लीकेशन से, इस अपडेट से आपको रिटेलर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसको यूज करके। तो क्या लाइव आया ईजी पे का एप्लीकेशन में, क्या अपडेट हुआ है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये स्कैन क्यूआर कोड अपडेट हुआ है, जो कि आप स्कैन करके आसानी से किसी भी कस्टमर को पेमेंट भेज सकते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके। अगर आपके दुकान में फ़ोनपे गूगल पे का क्यूआर कोड है, आप उसको एग्जाम्पल, आप फोन पे गूगल पे पेटीएम चलाते हैं और किसी कस्टमर को पेमेंट भेजते हैं फोन पे गूगल पे से क्यूआर कोड, उसका कस्टमर का क्यूआर कोड स्कैन करके, तो आपको उसमें कुछ चार्ज नहीं लगता है। बट इसमें थोड़ा सा चार्ज लगेगा, थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो तीन फायदे हैं, दो तीन पहलू हैं। हम आपको वो डिटेल से बताते हैं कि वो क्या, क्यों चार्ज ले रहा है ईजी पे ने और कितना चार्ज ले रहा है। तो अब इसके बारे में कुछ अहम बेनिफिट भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी आपको बताते हैं कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके आप अपना बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो चलिए स्कैन हम में क्लिक करते हैं और हम अपने मोबाइल से एक बार कोड स्कैन कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो देखिए, हम ये स्कैन कर लिए। इस तरह से स्कैन करके पेमेंट डाल के आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा ना, तो अब इसके बेनिफिट्स और कुछ चार्ज जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालिएगा, देन यहाँ पे आपको प्रोसीड टू ट्रांसफ़र करना है और अमाउंट मांगेगा। अमाउंट डाल के आप क्यूआर कोड के द्वारा किसी भी कस्टमर को रुपया भेज सकते हैं, उसका कस्टमर का क्यूआर कोड स्कैन करके, जैसे हमने आपको लाइव करके दिखाया। तो चलिए आप आगे बात कर। तो ये रहा कुछ बैनर ईजी पे का लॉन्चिंग वाला, क्यूआर कोड स्कैन वाला। तो आप आसानी से डैशबोर्ड मोड पे आप अपना आईडी को लॉगिन कीजिएगा और क्यूआर कोड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड के द्वारा एक बेनिफिट ये भी है कि आप जितना भी पेमेंट
रिसीव कर सकते हैं। तो रिसीव करने के लिए आपको वो लाइव होगा 3 अप्रैल से, और अभी आप QR कोड का इस्तेमाल करके किसी कस्टमर को पेमेंट दे सकते हैं। मतलब फ़ोन पे गूगल पे से आप अब तक किसी को पेमेंट भेज रहे थे, लेकिन अब आप APS से जो भी विड्रॉल किए कस्टमर का आपके वॉलेट पे बैलेंस रहा, उस बैलेंस को आप QR कोड के द्वारा फिर किसी कस्टमर को ट्रांसफ़र मार सकते हैं, किसी कस्टमर को भेज सकते हैं। इसमें कुछ अपडेट दिया है, प्रिय EasyPay मित्र, स्कैन एंड पे एनी QR की सर्विस गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड कर दी गई, जो अगले कुछ घंटों में लाइव हो जाएंगे, और आप अपने ऐप को अपडेट कर लें तो उस सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैन एंड पे की सुविधा, मतलब आप स्कैन करके रिसीव भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ पे कर सकते हैं, और स्कैन करके रिसीव करने का प्रोसेस आपको 3 अप्रैल से दिखेगा। तो आगे नेक्स्ट है, किसी भी UPI QR को आप अपने वॉलेट के रुपए से ही पेमेंट कर सकते हैं। जैसे फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे का इस्तेमाल करके आप किसी कस्टमर को पेमेंट भेजते हैं, उसी तरह से। सेकेंड स्टेप है, एक ट्रांजैक्शन की लिमिट अधिकतम 5,000 रुपये की है, और जितनी बार चाहे उतनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब वन शॉट में आप 5,000 तक अधिकतम रुपए किसी कस्टमर को भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप रहा, प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज आपको 5 रुपये यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज 5 रुपये पे करना पड़ेगा। आप अगर 1 रुपये भी भेज रहे हैं, 10 रुपये भी भेज रहे हैं, तो आपको 5 रुपये चार्ज है। 4,000 भी भेज रहे हैं तो 5 रुपये चार्ज है, और 5,000 भी भेजते हैं तो आपको 5 रुपये चार्ज यहाँ पे चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब आपने EasyPay वॉलेट को फ़ोनपे और गूगल पे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ेगा, चार्ज इसलिए पे करना पड़ेगा, EasyPay ने कुछ चार्ज इसलिए रखे हैं कि आप इस चार्ज को अगर नहीं रहता तो आप मूव टू बैंक जो करते हैं, तो आप इसके द्वारा भी आप मूव टू बैंक अपना अकाउंट में ले सकते थे रुपया, तो इसलिए थोड़ा सा चार्ज इसमें देखने को मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा आपका ये है कि आपका जो भी विड्रॉल किए कस्टमर का आपका वॉलेट पे आया, और उस वॉलेट से ही आपका ट्रांसफ़र हो गया किसी कस्टमर के पास, तो आपका TDS से भी बचे, आपके पास कैश आ गया और वॉलेट से भी आपका ट्रांसफ़र चले गया, आपका अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं रहा इस बैलेंस का, तो इसमें भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, और एक TDS से बचने का एक बेनिफिट है। और इस तरह से आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप EasyPay, ईजी ट्रांसफ़र, ईजी DMT कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा चार्ज देखने को मिलता है। मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो ज़्यादा चार्ज देखने को मिलता है, यानी 1,000 में 4 से 5 रुपये चार्ज मिलता है। लेकिन यहाँ पर 5,000 ट्रांसफ़र कीजिएगा आप इसके द्वारा, इस QR कोड के द्वारा स्कैन करके, तो आपको 5 रुपये ही चार्ज लगेगा। तो आप अगर किसी कस्टमर का 25,000 भेज रहे हैं, तो उसमें DMT, मनी ट्रांसफ़र और EasyPay में आपको ज़्यादा चार्ज दे के आपको ट्रांसफ़र मारना पड़ेगा। लेकिन आप QR कोड से स्कैन करके आप 5 बार इसका ट्रांजैक्शन कर लीजिए, 25 रुपया ही आपका चार्ज यहाँ पर बनेगा, तो है ना, थोड़ा सा फ़ायदे की बात है। तो EasyPay ने थोड़ा सा चार्ज लगाया है, मिनिमम चार्ज है ये, लेकिन आप इस सुविधा को यूज कीजिए, उपयोग कीजिए, आपका बेनिफिट होगा। अब बहुत सारा सर्विस आपको इसमें लाइव भी देखने को मिलेगा। तो आपको कैसा लगा इस अपडेट से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपके पास EasyPay का रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इसका रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं, और फुल सपोर्ट और मैक्सिमम ट्रांसफ़र आप EasyPay QR कोड के द्वारा करके आप अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।